फोन इसके अंदर। दोस्तों कोई सिम वगैरह नहीं आती। दोस्तों आपको ये मोबाइल आपको हम अभी खोल कर दिखाएंगे कि इसके अंदर सिम आती है, सिम के अलावा इसके अंदर क्या आता है। हाय दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबी ब्लॉगर। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एमबी ब्लॉगर के अंदर। तो दोस्तों आज आपका एमबी ब्लॉगर दोस्तों आपके लिए ब्लॉगिंग के अंदर एक और कुछ एंटीक चीज़ लेकर आया है, जिसके अंदर दोस्तों हम आपको एक जो कि पुराना सेट होता है मोबाइल, नहीं था पुराना मोबाइल, वो आपको पुराना मोबाइल दिखाने वाले लोग, ऐसा मोबाइल दोस्तों जिसके अंदर दोस्तों सिम भी नहीं आती है, वो कंपनी के थ्रू उसके अंदर सिम अंदर ही एंट्री की आती है, जो कि मतलब उसका नंबर भी एक ही होता है, अगर हम सिम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, वो कंपनी के थ्रू उसके अंदर वो सिम ऐड आ जाए उसके अंदर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी दोस्तों आपको वो मोबाइल दिखाते हैं जिसके अंदर ना कोई सिम आती है, ना उस सिम डालने के लिए उसके अंदर कोई सॉकेट वगैरह आता है, उसके सिम एंटर नहीं होती, वो कंपनी के थ्रू उसके अंदर सिम आती है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आपका भाई एमबी ब्लॉगर दोस्तों आपके लिए लेकर आए, देखो एंटीक फ़ोन इसके अंदर दोस्तों, ये तो अभी फार वैसे लेटेस्ट ही है क्योंकि सैमसंग का है, ये थोड़ा पुराना हो गया दोस्तों, जो कि एंड्रॉयड नहीं था, बाकी ये चलाने में ये भी अच्छा था, ये भी दोस्तों अभी नया ही है। ये दोस्तों मतलब थोड़ा C2 ये थोड़ा पुराना है, और ये नोकिया, ये दोस्तों आपको पता है जिसके अंदर वो लॉकडाउन हमने सांप वाला गेम खेला था, पता है आपको, याद है ना सांप वाला गेम खेला था, इसी के अंदर खेला था। और ये दोस्तों टाटा का, क्योंकि दोस्तों सबसे खतरनाक फोन इसके अंदर दोस्तों कोई सिम वगैरह नहीं आती है, ओनली फॉर कंपनी से इसके अंदर ही रिलायंस की सिम आती है। तो दोस्तों आपको ये मोबाइल आपको हम अभी खोल कर दिखाएंगे कि इसके अंदर सिम आती है, सिम के अलावा इसके अंदर क्या आता है। तो दोस्तों अभी हम इसकी तरफ चेक करते हैं, देखिए दोस्तों इसकी बैटरी लगी हुई है, बैटरी के अलावा दोस्तों इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ओनली फॉर बैटरी के जो पॉइंट होते हैं वो बैटरी के पॉइंट है। तो अभी हम इसको खोलते हैं, अभी हमने मोबाइल को करीब खोल दिया है। देखो ये इसका चार्जर, देखो चार्जिंग, देखो दोस्तों चार्जिंग कैसा आता है इसका, इतनी बड़ी पिन, क्योंकि चार्जिंग कम से कम इसके अंदर पॉइंट्स हो गए 25 पॉइंट्स हो गए करीब 25-30 के आसपास। और ये इसका माइक, जो कि दोस्तों माइक इसके अंदर एक क्या था, क्योंकि बात करने के लिए ज़्यादातर काम आता था। तो हम ही आपको बिना आपका टाइम गए आपको जल्दी से इसको खोल के, ये देखिए दोस्तों अभी हमने इसको खोला है, यहाँ पर इसके दो जो माइक लगा उस माइक के दो पॉइंट्स लगे हुए थे, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये तो दोस्तों CPU हो गया इसका, इसकी देखो दोस्तों जो सिम लगी हुई आपको बहुत ही शानदार सिम दिखाते हैं, ये देखो इसकी दोस्तों सिम लगी हुई है, ये वाली IFI, जो कि दोस्तों मतलब दूर से बात करने के लिए काम आती है। दोस्तों देखो अभी हमने इस सेट को खोल के देखा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही पुराना सेट था, इसको हमने आपको खोल के दिखाया अभी। इसके अंदर दोस्तों ये देखो बड़ा वाला CPU लगा हुआ है, इसकी चार्जिंग कनेक्टर वगैरह और बाकी सारे IC है, बाकी जो भी इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह ट्रांसफर IC वगैरह बहुत कुछ लगा हुआ है इसके अंदर। और उसके साथ में दोस्तों ये देखो आपको दिखा रहे हैं 3 दांतों वाली, जो कि दोस्तों ये एक सिम कार्ड की तरह काम करती है, ये जैसे जो भी कुछ बड़ी बड़ी IC होती है, जो हम मतलब नेटवर्क IC हो गए, उसी प्रकार ये एक जो जिससे बात करते हैं, जिससे बात करने के लिए दोस्तों एक काम आती है, इसका मतलब जो कंपनी के थ्रू इसके अंदर डालते हैं उसी समय इसका मतलब एक बार नंबर उसका फिल कर दिया जाता है, उसके परमानेंट के लिए वही नंबर रहता है। ये मतलब ये पुराना सेट जो हमने बहुत ही दिनों बाद हमको मिला है, तो हमने सोचा कि अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जानकारी देते। मैंने दोस्तों अपनी लाइफ में मतलब ये फर्स्ट बार देखा है, इसलिए मैंने भी आपको खोल कर दिखा लिया, तो जो भी बंदा अगर देखना चाहे तो देख सकता है हमारे पास आकर दिखाएंगे।
क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि अपने फ्रेंड्स को भी कुछ एंटिक चीज़ें दिखाए, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ के मतलब उनको भी पता चले इसके बारे में। तो दोस्तों हमने इस मोबाइल के बारे में दोस्तों आपको पूरी जानकारी बताई है, टाटा सैमसंग का मोबाइल है दोस्तों ये। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और दोस्तों हम फ्रेंड्स आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अभी इसको सारे को पैक करके वापस म्यूजियम के अंदर रख लेते हैं।